टेबल बनाओ, कुछ ऐसा लिखो जिसमें आईडी होगा, नेम होगा, जेंडर होगा और सैलरी होगा। अगर गलत हुआ तो एवरी एरर 5 रुपीज़ फाइन होगा। अब आप लोग को छूट नहीं दिया जा सकता। और सॉरी वो ग्रुप में सबमिट होगा और सब लोग पार्टी करेंगे। इसमें और भी कुछ यूज कर सकते क्या आईडी के साथ? एंड तो हमने लिख दिया। ऑटो क्या इंक्रीमेंटल करना हो, प्राइमरी की लगाना हो, आईडी में ऑटो इंक्रीमेंटल भी चाहिए और प्राइमरी की भी चाहिए, तो क्या करूं? आइडेंटिटी ये कर्सर के इसका ये नीचे करना कोई एरर नहीं है। Searching to employ to 20. Lunch. ID name. रेड रेड बना है कुछ, यहाँ है क्यों है?
टेबल का डेफिनेशन ठीक से देख लो, आपने टेबल बनाया सही है, रन कर जाएगा वो टेबल को, एक बार क्रिएट करके देख लो। प्राइमरी की था यार, पहले तो नहीं था। वन जीरो वन क्या डाला आपने, क्या है वो, आईडी कहे की इसकी आईडी मैंने फर्स्ट स्टार्ट 101 से की है। उसके कीवर्ड्स याद नहीं है आपको? ऑटो इंक्रीमेंटल के लिए क्या कीवर्ड क्या यूज़ करेंगे? जो ऑटो नंबर आएगा प्राइमरी ऑटो इंक्रीमेंटल आइडेंटिटी से होता है। याद नहीं रिक्वेस्ट करा है मैंने। हाँ जी, आराम देखो कर। आपके क्रिएट टेबल में गलती है, बहुत सारा, 10 गलतियां हैं, 10, एक नहीं। पहली गलती, आपने प्राइमरी की क्रिएट कर दिया, ऑटो इंक्रीमेंटल के लिए आपने आइडेंटिटी आइडेंटिटी ना ना ना, आपने कीवर्ड कीवर्ड फ्री नहीं किया शायद। नहीं, कुछ नहीं किया। आइडेंटिटी 101 से स्टार्ट हुआ और 1 का मैंने इंक्रीमेंटल वैल्यू लगाया। आफ्टर दैट नेम एनवायर कर, इसका कैरेक्टर कितना होगा, चार और गलतियां हो गई। नेम भी वो सही सॉरी, है क्या? नेम मतलब हाँ चलिए, इसका ब्लू कलर आ रहा है इसलिए पूछ रहा हूं मैं, मुझे नहीं नहीं डाउट नहीं लग रहा है। एक्चुअली मैं, नेम क्या है ना, नेम हमारा एक कीवर्ड है जो कि सिस्टम टेबल का कीवर्ड है, इसलिए वो ब्लू हो जाता तो ये तो ठीक है, जेंडर वो भी ठीक है। है, पर बैग आई कि नहीं थी बस मैंने। तो उसको ब्रैकेट में नहीं लिखेंगे नेम को? नहीं भी लिखेंगे तब नहीं भी चलेगा, अगर आपको लगता है कि ये कीवर्ड है और आप उसको कॉलम नेम बनाना चाहते हैं तो उसको ब्रैकेट कर सकते हैं, वैसे जरूरी नहीं है, नहीं भी रहेगा तब भी वो रीड करेगा एज ए कॉलम। अच्छा ठीक है। जेंडर, अब देखो मैंने कहा था कि मैं चाहता हूँ कि जो जेंडर आए उसमें ना चेक लगेगा, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे सपोज करो कैर यूज किया, कैर 1, अब कीबोर्ड छू देते हो लगता है मेरे को ना, मेरा कमांड हट जाता है, अभी भी नहीं है। क्या कर रहे हो ये?
मैं वहां वैल्यू डाल रहा हूँ वन। वन आप डालो वहां भाभी जी, वन वन वन, ब्रैकेट क्लोज करो, ये भी वन नहीं है, शिफ्ट दबा हुआ है आपका, दबा हुआ फिर क्यों आ रहा है ऐसा? कॉमा, इसको हटा दो फिर ब्रैकेट हाँ को हटा दो ना, अब जेंडर देखो करेक्ट कर लो। यहाँ, हाँ करेक्टर वन में क्यों? मैं वन एम एफ इसके लिए लूँगा, अच्छा ओके ठीक है। एम एफ टी कर देंगे, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे चेक लगाना है कैरेक्टर वाले में, चेक क्या है? हाँ चेक क्या है, मैं चाहता हूँ कि एम एफ या टी इसके अलावा अदर कोई भी कैरेक्टर इंटर हो तो वो एरर दे दे। तो एम एफ टी भी तो हमें वो वाले शो करना पड़ेगा ना। हाँ तो वही कर रहा हूँ, यहाँ पे हमने चेक यूज़ किया। चेक अब यहाँ पे क्या होगा कि मैंने ब्रैकेट लिया और यहां मैंने लिखा जेंडर 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 इन, आप लोग को इन पता है ना। जी अब यहां पे हम करेंगे एम एफ और टी ठीक है। एफ एफ एंड टी, ठीक है। अब ये क्या होगा कि ये चेक करेगा कि किसी ने जेंडर में अगर इंसर्ट करा है और ये तीन वर्ड हैं तभी वो पास हो। अब ये हमारा टेबल बन गया। भाभी जी अभी भी गलती है क्या इसमें? यहाँ नहीं, क्रिएट टेबल अच्छा में उसमें तो नहीं है। हाँ पता नहीं, आप चेक कर लो अगर गलती हो कहीं। ये कंप्लीटेड है हमारा, क्रिएट हो गया टेबल, हो गया ना? पता नहीं कहाँ गया। अब इसमें ना हमने इंसर्ट किया तो ये पहली वैल्यू इसकी इंसर्ट हो गई, जो कि ये नेम के लिए हुआ, ये जेंडर के लिए हुआ और ये सैलरी के लिए हुआ। अगर मैं इसे इंसर्ट कर दूं तो हो जाएगा? नहीं होगा। कहाँ दिक्कत है? यहाँ आ रहा है इसे पर चेक करो, कॉमा हटे ना ये अब हो जाएगी देख लो चला के। अब हो एक मिनट, जाएगी। नेम ये आ गया, जेंडर ये आ गया, सैलरी ये आ गया ठीक है। अब दूसरा जो इंसर्ट करना है ना, इसमें एम के जगह पे हमने दे दिया एक्स। एक्स या एफ? नहीं, हमने एक्स दिया, ठीक अच्छा है। ठीक है, चेक करें वो इंसर्ट होती है या नहीं होती अब है, मैं इसको इंसर्ट करूंगा। एरर दे देगा। कंप्लीट रिकरेंट डेटाबेस वंस एबल डीबी एम्प्लॉय टू चेक एज बीन ठीक टर्मिनेटेड। है।
इसका मतलब है आप अब कहीं भी चेक लगा सकते हो। सपोज करो कि मैंने यहां पे टाइप किया ड्रॉप टेबल EMP 2, टेबल डिलीट कर ये दूंगा। टेबल डिलीट हो गया। इसको आप कॉपी कर लो इसी का दोबारा बना के देख रहे हो? मैं नहीं बनाता, अब आप लोग बनाओगे। मुझे इसमें चेक लगाना है सैलरी पे, चेक लगाना है सैलरी पे। हाँ, अच्छा कि 20,000 और 40,000 बिटवीन में रहेगा तो एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज नहीं। क्या करूं? 20,000 एंड फोर्टी बीस से थाउजेंड के, चालीस हाँ, के बीच में होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। मतलब 20,000 एक या फिर 39,999 होगा तो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। या 40,000 होगा तो एक्सेप्ट करेगा, अदरवाइज नहीं करेगा। मतलब जो भी है, दो वैल्यू है, 20,000 और 40,000, इसके बीच में कुछ भी होगा तो वो एक्सेप्ट करेगा। क्या करूं? हाँ चेक लगाएंगे। चेक तो लगाएंगे, लेकिन जल्दी लगाएंगे, 2 मिनट में। हटा दो या नहीं? पहला हाँ, हटा सकते वाला हो चेक तो आप हटा सकते हो, क्योंकि टेबल अब है नहीं। टेबल तो डिलीट कर दी मैंने, ड्रॉप हो गया। यही आएगा 20,000 से ज्यादा, 40,000 से कम। अगर हमें दो वैल्यू के बीच का पार्ट यूज करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे? ये मैं बताऊं, आपके पास कॉपी में कुछ लिखा हुआ है ऐसा कि दो वैल्यू के बीच की पार्ट अगर यूज करनी हो? ये यहाँ पे सैलरी इन मैं बताऊँ, सैलरी इन नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा सैलरी के बाद बिटवीन 20,000 एंड 40,000। और ये ब्रैकेट हटा देना। एंड
ब्रैकेट हटा दो भाभी, पीछे वाला। ये 20,000 के जो आगे लगाया हुआ है और 40,000 के बाद। भेज दे तो। करना रन। एरर नहीं आना चाहिए। देखते हैं। बन गया टेबल, कहाँ है? दिखा नहीं मेरे को टेबल कहाँ है, आप टेबल दिखाना। प्लस के साइन पे जाओ, प्लस के साइन पे जाओ, उसके बाजू में होता है ना प्लस। ओके, टेबल को रिफ्रेश करो। स्टडी वन का ही आ रहा, टू का नहीं, जीरो टू टेबल का नहीं आ टेबल रहा को अभी। रिफ्रेश करो। यहाँ भी यहाँ नहीं बनाना ये तो आप। ऊपर कमेंट कर दिया। उसको बीच में ना कहीं ले जाके एंटर मार दो, दो लाइन में बन जाएगा वो, या फिर कीबोर्ड से शिफ्ट एंड करो। इंसर्ट, इंसर्ट गलत है अभी। एंटर कर दो। अच्छा ये यार एरर आ रहा है। कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ से हम एक एंटर कर देते हैं, ये दो लाइन बन जाएगा। अब हमने अच्छा इसको सेलेक्ट करके रन कर लिया, क्या अभी भी एरर आएगा? नहीं, इसमें तो नहीं आ रही है, पहले ओके भी नहीं आया, आया है। कहाँ गलती है आप लोग देखो बताओ। इसमें ऊपर में देखो आ रहा है मैसेज 102 लेवल 15 स्टेट 1 लाइन 2, इसका मतलब लाइन 2 में दिक्कत है, सेकंड वाले लाइन में दिक्कत है। कहाँ पे दिक्कत है? जहाँ पे ब्रैकेट क्लोज हो रहा है। एक और ब्रैकेट लगेगी। हाँ जी, अब रन करके देखो। रन कर गया। अब इसकी वैल्यू इंसर्ट करो आप। इंसर्टेड, 1,60,000 कर दो। इंसर्ट इनटू एनएफ 50। अच्छा डन, आप लोग को चेक क्लियर हो गया।
हाँ जी, ये भी बढ़िया था है। वैसे देखो इतनी छोटी सी कमांड लेकिन पूरा टेबल बदल दिया।